हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस वी जर्नी। तो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो लेके। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है, बेसिकली ये जो नोएडा में है ना, अभी स्टार्ट हुआ है और जो हम जा रहे हैं वो नोएडा के सेक्टर 33 में एक चौकी हवेली स्टार्ट हुई है, जो कि राजस्थानी थोड़ा कल्चर है वहाँ पर। तो मैंने सोचा क्यों ना यार वहाँ की वीडियो बनाई जाए। मैं मेट्रो के नोएडा सिटी सेंटर पे आ चुका हूँ और अब यहाँ से देखते हैं कैसे जाते हैं। तो ये देखिए पीछे, ये नोएडा पे ही हूँ मैं, तो चलते हैं नीचे। जैसे कि आप नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से उतरते हो और वहाँ से रिक्शे वालों से पूछोगे तो वो 40-50 रुपए मांगेगा, लेकिन जो बैटरी वाले रिक्शा होते हैं वो आपको 10 रुपए में छोड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर ही है। तो ये है इसकी एंट्री यहाँ से, और ये देखिए बाहर ही कलाकार वगैरह जो भी हैं बनाए हुए हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। और ये है सामने, चलते हैं देखते हैं क्या क्या चीज़ें। ये बाहर ही आपको आई थिंक ये जो कैमल राइडिंग मिल जाती है, और इसका शायद चार्ज अलग है। कैमल राइडिंग तो ये है, और ये है इसके अंदर जो आपको टिकट के अंदर फ्री मिलता है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए एक बार। और ये इसका चीज़ है, तो आ चुके हैं अंदर चौक की हवेली में। पहले खाना खा लेते हैं बिकॉज़ टाइम कम है इसका खाने का, और मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है। फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ है और क्या क्या चीज़ इसमें मिलेगी आपको। तो चलिए, तो ये इसका खाने का है, बिल्कुल जैसे जो पहले होता था राजस्थानी, पहला जो हमारा कल्चर होता था, तो वो है यहाँ का भी सीन खाने के लिए। तो अभी देखते हैं आने वाला है खाना वाना। और इसका दो का है, एक तो ये नीचे बैठने वाला है और ये ऊपर चेयर वाला है, तो जहाँ पे भी आप बैठना चाहो वहाँ पे बैठ सकते हो। ये वो फ्रेंड्स, खाना तो हो गया है और अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मतलब मिलती है 499 में। तो खाना तो वैसे अच्छा था, और उसके बाद भी जलेबी आई और पापड़ वगैरह भी दिए, तो खाने में तो मज़ा आया। अब एक बार ऐसे देखिए फिर दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको मिलती है। ये था जो राम राम सा लिखा हुआ है, ये है आपका जहाँ पर आपको खाना वगैरह सर्व किया जाता है, तो यहाँ का मैंने दिखा दिया। और ये जो सामने आप आर्टिस्ट देख रहे हो, यहाँ पे प्रोग्राम होता है शायद 6-6:30 बजे करीब होता होगा। और ये देखिए खाट वगैरह और सोफे वगैरह भी सब बिछे हुए हैं, जिसमें कि आप आराम से बैठ के देख सको। और ये रहा चौकी धानी का जो सेटअप है, है यहाँ पे आप मेहंदी वगैरह लगवा सकते हो अगर कोई लेडीज़ वगैरह है, लड़की वगैरह आती है, तो ये मेहंदी का है। और यहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी है, ये हाथ वात की रेखा वगैरह। अभी यहाँ पे वो बैठे नहीं हैं बिकॉज़ अभी 4 बज रहे हैं, तो शाम के टाइम बैठते होंगे। थोड़ा यहाँ पे ज्योतिष फेस रीडिंग वाले बैठते हैं, ये भी 499 में इंक्लूड है, तो यहाँ पे भी अभी बैठे नहीं हैं। और ये यहाँ पे
यहाँ पे आप हेड मसाज करा सकते हो। यहाँ पे भी अभी गए हुए हैं, चौपाल पार्टी, लाख चूड़ी वाला, ये आई थिंक इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसका आपको अलग से चार्ज दे देना पड़ेगा। यह है कठपुतली का खेल, ये भी अभी शाम को होगा। यहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आता है मतलब देखने में, बट अभी तो नहीं है स्टार्ट। यहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, शूज़ वगैरह की, जैकेट वगैरह की, इसके भी आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ इसके बारे में, तो इसका जो टिकट है, जो प्राइस है इसका, तो वो है 499 का, जो कि एडल्ट के लिए है, और चिल्ड्रन के लिए जो कि शायद 3 से 9 साल तक के हैं उनका है आई थिंक 250 रुपये। तो और यहाँ पे प्रोग्राम भी वैसे काफ़ी है, और इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ खुले हुए, अभी इसे मुश्किल से 2 महीने हुए हैं ये जो ओपन हुआ है, और ये नोएडा में पड़ता है, चौकी हवेली जो चौकी धानी जयपुर में है उसी का मतलब उसी को देखते हुए ये बनाया हुआ है शायद, और देखने में तो वैसे काफ़ी मज़ा आ रहा है। गन शूटिंग ये एडिशनल है, इसमें 50 के 5 मिलते हैं, बार कर सकते हो। और ये वो फेंकने वाला जो कि आप जीतते हो, अरे नहीं नहीं आप करो। और यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन वगैरह जो भी बनाते हैं तो वो चीज़ें ये देखिए, अरे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सच में अगर आप आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक ये कल्चर देखने को मतलब नहीं मिल पाता इतनी जल्दी से, जो कि यहाँ पे हमें ये कल्चर मिला है अपना जो पुराना कल्चर, तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आपको सबको पता है दिल्ली में क्या हाल है, तो यहाँ पे आके एक अलग ही आपको मतलब सही सी फीलिंग आएगी, अच्छा सा फील होगा अंदर से। आपको कॉफ़ी भी मिलती है जो कि उसी में इंक्लूड है 499 में। तो फ्रेंड्स कॉफ़ी पिए जा रही है, और क्या करें, अभी तो शायद पता नहीं कब होगा तो इतना कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी में इतना टेस्ट नहीं है, पर हाँ जो खाना खाया है एक नंबर है, मज़ा आ जाएगा आपको। कैमल की है सवारी, और जो कैमल राइडिंग है इसका आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, और दिखा दिया मैंने आपको चौकी हवेली नोएडा की, जितना मतलब यहाँ पे अच्छा अच्छा लगा मुझे वो सारा कुछ दिखाया मैंने आपको। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब अपने घर, और मिलते हैं अब एक और नई वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट्स करना, और इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो ठीक है फ्रेंड्स चलते हैं, और मिलते हैं अब न
नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।